सदर तहसील के बर्दपुर ब्लॉक के चकई जोत का नीर निर्मल परियोजना के अंतर्गत चयन हुआ है। ये परियोजना भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि ओवरहेड टैंक से हर घर को जोड़ा जाए ताकि गांव के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल सके। वहीं ग्राम प्रधान सुनील कुमार यादव ने बताया कि सरकार की ये योजना मील का पत्थर साबित होगी और दूषित पानी पीने से फैलने वाली जल जनित बीमारियों से ग्रामीणों को मुक्ति मिलेगी और सरकार की ये योजना पूरी तरह कारगर साबित होगी। हमारे लिए बड़ी हर्ष और गर्व की बात है कि विश्व बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार संयुक्त प्रयास निर्मल योजना का, इसमें हमारे ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया गया है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और इससे हमारे ग्राम पंचायत में तमाम तरह की जो वायरस जनित बीमारियां हैं उससे मुक्ति मिलेगी। पूर्वांचल में जो इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड जो इस यहाँ एक आफत के रूप में रहता है उससे पूरी तरह से हमें छुटकारा मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये नील निर्मल परियोजना विश्व बैंक सहायता, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से एक परियोजना लाई गई है जो कि पूरे भारतवर्ष में अभी चार राज्यों में संपादित हो रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और झारखंड में। तो उत्तर प्रदेश में बैच वन में इसके पहले 9 जिले लिए गए थे और बाद में बैच टू के अंतर्गत शेष 4 जिलों का चयन हुआ है, जिसमें सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बनारस और सोनभद्र, ये 4 जिले चयनित हुए हैं। उन्हीं में एक सिद्धार्थनगर है जो बैच टू के अंतर्गत कार्यरत है। मैं दीपक त्रिपाठी, तकनीकी सह क्रय सलाहकार, विश्व बैंक संचालित ये मेंबर परियोजना में